नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल वे ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे एएलपी टेक्नीशियन सीवीटी 2 का स्पेशली क्लास स्टार्ट हो गया दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल को कंटिन्यू विजिट करते रहिए। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों, मास वेट एंड डेंसिटी, द्रव्यमान भार तथा घनत्व। इस एक टॉपिक से दोस्तों दो या तीन क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ, इस चैनल पर प्रत्येक दिन दो वीडियो अपलोड होता है मॉर्निंग एंड इवनिंग में, जो कि आगामी एग्जाम को देखते हुए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होता है, वो वीडियो भी आप लोग को देखना बहुत जरूरी है। देख सकते हैं ऑलरेडी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का मैक्सिमम टॉपिक कवर करा दिया हूँ, आप लोग इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के आप लोग अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चैनल पे करंट अफेयर्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों, करंट अफेयर्स का स्पेशली एग्जाम को देखते हुए यहाँ पे बना दिया हूँ पार्ट वन, देखिए यह इसमें पूरे वन ईयर का वर्ष 2018 का टॉपिक वाइज जो है वीकली करंट अफेयर्स है इसमें, और इसमें दोस्तों टॉपिक वाइज पूरा करंट अफेयर्स है, पार्ट टू है, पार्ट वन एंड पार्ट टू दोनों देख लेने के बाद करंट अफेयर्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आज के महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर। दोस्तों, जो स्टूडेंट फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पे, उन लोगों से रिक्वेस्ट है जितना जल्द हो सके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि मैं जितने महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराऊं उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे। और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि हर किसी को फायदा हो सके, ठीक है दोस्तों। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है मास वेट एंड डेंसिटी, द्रव्यमान भार तथा घनत्व, ठीक है दोस्तों। सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पे पदार्थ क्या होता है दोस्तों, क्योंकि पदार्थ से ही रिलेट करता है, ठीक है। तो पदार्थ दोस्तों बता देना चाहता हूँ, वह वस्तु होता है जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसका अनुभव हम अपने ज्ञान इंद्रिया से कर सकते हैं, उसी को द्रव्य पदार्थ कर सकते हैं, मैटर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे में लोहा, लकड़ी, पानी, ये सब जो है मैटर का एग्जाम्पल है पदार्थ का। दोस्तों आपको पता होना चाहिए पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है दोस्तों, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा भी ठोस, द्रव, गैस के अलावा भी पदार्थ की दो अवस्थाएं और भी होती हैं, जिसमें फर्स्ट आ जाता है प्लाज्मा एंड सेकंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट, ठीक है दोस्तों। प्लाज्मा जो है पदार्थ की चौथी अवस्था है दोस्तों, जिसे प्लाज्मा अवस्था का टेम्परेचर लगभग जो होता है 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेंट भी दोस्तों, यह पदार्थ की पांचवी अवस्था है, जिसको वर्ष 1920 में सत्येंद्रनाथ बोस ने पांचवी अवस्था की भविष्यवाणी किए थे, ठीक है दोस्तों। इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए सन 2001 में कर्नल ली मैन केटरेल को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था दोस्तों। इसमें हम लोग द्रव्य, मैटर एंड प्रेशर, और भी दोस्तों आर्किमिडीज सिद्धांत, पास्कल के नियम, डेंसिटी, घनत्व, फ्लेवन, फ्लोटिंग, वर्नौली सिद्धांत, इससे रिलेटेड हम लोग मैक्सिमम जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एमसीक्यू बनते हैं टोटल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए अब हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन शुरू करते हैं, क्वेश्चन 38 नंबर शुरू करते हैं दोस्तों, जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पूरा डिस्कस करते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पृथ्वी का व्यास, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, यदि पृथ्वी का व्यास अपने वर्तमान मान का दोगुना हो जाए तथा इसका द्रव्यमान अपरिवर्तित रहे, तो पृथ्वी की सतह पर किसी पिंड का भार किस प्रकार प्रभावित होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पूर्व मान का एक चौथाई हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा। पृथ्वी का औसत घनत्व ग्राम पर सीसी में होता है, कितना होता है दोस्तों, तो बता देना चाहता हूं ये जो होता है 5.5 ग्राम पर सीसी होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई h पर गुरुत्वीय त्वरण का फॉर्मूला पूछ रहा है, तो गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच के होल स्क्वायर में हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों,
यदि वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर एच न्यूटन है, उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या की आधी के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर किसी वस्तु का वेट पृथ्वी की सतह पर जो है डब्लू न्यूटन है, तो उसका भार पृथ्वी की त्रिज्या के आधा के बराबर ऊंचाई पर क्या होगा। ठीक है, तो वहां पे जो होगा दोस्तों फोर डब्लू अपॉन नाइन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, चंद्रमा के सतह से एक चट्टान को लाया जाता है तो क्या होता है। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान को लाया जाता है दोस्तों, तो इसका भार परिवर्तित हो जाएगा किंतु उसका द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल क्या होगा। दीर्घवृत्त का तल दोस्तों पृथ्वी के केंद्र से आ जाता है। 44 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, चंद्रमा पर शरीर का भार पृथ्वी पर शरीर के भार के तुलना में लगभग कितना होता है। दोस्तों बता देना चाहता हूं 1/6 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होगा। पृथ्वी के केंद्र पर दोस्तों जी का मान 0 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक कौन है। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक दोस्तों न्यूटन का नियम है। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमा काल निर्भर करता है, किस चीज पे निर्भर करता है दोस्तों। ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर। ठीक है दोस्तों, पृथ्वी के कृत्रिम उपग्रह का परिक्रमण काल निर्भर करता है प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के केंद्र से दूरी पर। ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान दोस्तों पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप करने कोशिश ना कीजिएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण जी का सर्वाधिक मान होता है। ठीक है दोस्तों, ये ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से किस स्थान पर जी का मान सबसे ज्यादा होगा। ऑप्शन के अनुसार आप लोग कमेंट कीजिए, ऑलरेडी ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। ये जो होगा दोस्तों अंटार्कटिका में किसी भी केंद्र पर जी का मान सर्वाधिक होगा। 51 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, यदि दो पिंड के बीच की दूरी को दोगुनी कर दी जाए तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा, प्रारंभिक मान का क्या हो जाएगा। वो होगा दोस्तों घटकर 1/4 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 52 पे आइए, लिफ्ट पर एक आदमी खड़ा है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा, ध्यान दीजिएगा, तो आदमी का वजन क्या होगा। आदमी का वजन दोस्तों अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, यहां पे दोस्तों कंफ्यूज होने का नहीं है, लिफ्ट समरूप वेग से ऊपर जा रहा है तो वहां पे अपरिवर्तित हो जाएगा आदमी का वजन। 53 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः अंतरिक्ष यान में घूमते हुए भारहीनता का अनुभव परिणाम क्या होता है। ये होता है दोस्तों शून्य गुरुत्व का। 54 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, पृथ्वी के परितः परिक्रमण कर रहे एक उपग्रह के अंदर एक सरल लोलक का अवर्तकाल क्या होगा। अवर्तकाल उसका अनंत हो जाएगा दोस्तों। 55 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यदि पृथ्वी के घूर्णन का कोणीय वेग अचानक बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड के भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भूमध्य रेखा पर पिंड के भार पे दोस्तों पिंड का भार कम हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, निर्वात में एक मीटर की दूरी पर रखे हुए
दो पत्थर प्रत्येक का द्रव्यमान 1 किलोग्राम है तो उसके बीच गुरुत्वाकर्षण बल कितना लगेगा। गुरुत्वाकर्षण बल दोस्तों 6.67 × 10⁻¹⁻ N लगेगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। यदि पृथ्वी अचानक सिकुड़कर अपनी त्रिज्या वर्तमान त्रिज्या की आधी कर ले तब गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीए लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। रेलवे में रिपीटेड क्वेश्चन है ये। इसका राइट आंसर हो जाएगा G/2 हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। 58 नंबर क्वेश्चन है, एक पिंड का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग कितना होता है। ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ क्वेश्चन है, ये 11.2 किलोमीटर/सेकंड होता है। 59 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पिंड का भार शून्य नहीं होगा। कहां पे पिंड का भार दोस्तों शून्य नहीं होगा, ये किसी घर्षणहीन सतह पर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, एक आदमी एक रस्सी पर नीचे फिसलता है। ध्यान दीजिएगा, एक आदमी जो है एक रस्सी पर नीचे फिसलता है जिसका विच्छेदी भार आदमी के वजन का 3/4 है, तो आदमी का न्यूनतम त्वरण क्या होगा। वहां पे G/4 हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों। यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत कर रहा है तो वो क्या होता है उस टाइम। इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीए लगा लीजिए दोस्तों, इसी टाइप का जो है आपको एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एक दूसरे की आवाज नहीं सुन सकते हैं। यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत कर रहे हैं तो वहां पे एक दूसरे की आवाज को नहीं सुन सकते, ऑप्शन सी। 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडल का दाब, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जब वायुमंडल का दाब सहसा कम हो जाए, यानी वायुमंडल का दाब कम हो जाए। 64 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरता रहता है, क्या कारण हो सकता है। दोस्तों यहाँ पे नमक के घोल का घनत्व अंडे के घनत्व से अधिक होता है, इसी वजह से अंडा मृदु जल में डूब जाता है किंतु नमक के सांद्र घोल में तैरते रहता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दूध से मक्खन निकालने पर क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीए लगा लीजिए। दूध से मक्खन निकालने पर जो दोस्तों दूध का घनत्व घट जाता है। 66 नंबर क्वेश्चन, बर्नौली परिमेय आधारित है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऊर्जा संरक्षण पर, ठीक है दोस्तों, बर्नौली परिमेय आधारित है ऊर्जा के संरक्षण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, किसी पिंड का भार, ठीक है दोस्तों, किसी पिंड का भार ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ध्रुव पर सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है। 68 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो क्या होता है। दोस्तों जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर लाया जाता है तो उसका भार घट जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए दोस्तों, जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो हमें महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भरी हो गई है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पानी की सतह से ऊपर भरी हो गई है। 70 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, भारहीनता होती है दोस्तों, भारहीनता गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति में होती है। 71 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखने को मिलेंगे दोस्तों, लास्ट तक जरूर देखिएगा इस वीडियो को। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, यह किस सिद्धांत पर आधारित है। इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीए लगा लीजिए, रेलवे में बहुत बार रिपीट हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये जो है ऑप्शन बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। 72 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आर्किमिडीज का नियम दोस्तों प्लवन का नियम से संबंधित है। 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं,
जब कोई वस्तु किसी द्रव्य में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में कुछ कमी प्रतीत होती है तथा उसके भार में आभासी कमी उस वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव्य के भार के बराबर होती है। ये जो सिद्धांत है दोस्तों, ये है आर्किमिडीज के सिद्धांत, ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक का नाम क्या है? ये आर्किमिडीज का सिद्धांत इन्होंने दिए थे, आर्किमिडीज जो है दोस्तों इन्होंने ही दिए थे उत्प्लावकता से संबंधित विज्ञान संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर, द्रव में आंशिक या पूर्णतः डूबे हुए किसी ठोस द्वारा प्राप्त उछाल की मात्रा निर्भर करती है दोस्तों ठोस द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पर, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जब पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का क्या कारण होता है? जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण क्या होता है? यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लोहे द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 77 नंबर क्वेश्चन, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है? ठीक है दोस्तों, आर्किमिडीज ग्रीस से संबंधित है, ग्रीस देश के थे। 78 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होता है? दोस्तों बता देना चाहता हूँ, भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं। ठीक है, 78 का सी करेक्ट हो जाएगा, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो भार एवं द्रव्यमान दोनों बदल जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? ठीक है दोस्तों, ये जो मालूम पड़ता है जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 80 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है, जब लिफ्ट जा रही होती है दोस्तों त्वरण के साथ नीचे जा रही होती है, तब एक लिफ्ट में किसी भी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। 81 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, इसका क्या रीजन हो सकता है? इसका रीजन है दोस्तों, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाती है। 82 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? ये जो होगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों, 83 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक होता है? ये होता है दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 1/6। ये ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है इससे पहले लेक्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में पीछे की ओर फेंकता है तो गेंद गिरती है। ठीक है दोस्तों, गेंद उसके हाथ में गिरती है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे जो है ऊपर फेंकता है तो गेंद गिरती है उसके हाथ में, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, स्टील की गोली पारे में तैरती है क्योंकि, ऑप्शन बी होगा दोस्तों, पारे का घनत्व स्टील की अपेक्षा अधिक होती है इसीलिए स्टील की गोली पारे में तैरती है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 86 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है? इस क्वेश्चन को आप लोग वीवीआई लगा लीजिए, बहुत बार रेलवे में रिपीट होने वाला क्वेश्चन है।
इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर की ओर उठ जाता है। 87 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, पानी का घनत्व दोस्तों 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, वस्तु की मात्रा बदलने पर दोस्तों उसका घनत्व अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, 89 नंबर क्वेश्चन पे। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान क्यों लगता है? ठीक है दोस्तों, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको रेलवे CVT 2 में दिखने को मिलेंगे, लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, समुद्र पानी का घनत्व साधारण पानी से ज्यादा होता है, इसी कारण है दोस्तों तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र पानी में तैरना आसान होता है। 90 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए, 90। वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण होता है? इस क्वेश्चन को भी आप लोग विवे लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का रीजन है दोस्तों उसका घनत्व। 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? वहां पे दोस्तों 1/10 भाग ऊपर रहता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है, क्या कारण होता है? इस क्वेश्चन को भी VVI लगा लीजिए, रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, बांध के नीचे की दीवार मोटी बनाई जाती है क्योंकि गहराई बढ़ने के साथ द्रव का दाब बढ़ता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, क्या कारण हो सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पानी का योग अधिक होने से दाब घट जाता है। ठीक है दोस्तों, पानी का वेग अधिक होने से दाब घट जाता है, इसी कारण चौराहों पर पानी के फुहारे में गेंद नाचती रहती है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। भारी हिमखंड शीर्ष की अपेक्षा निचले तल से पिघलता है, क्या रीजन हो सकता है? ये भी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ इससे पहले लेक्चर मॉर्निंग वाला लेक्चर में। ठीक है दोस्तों, इसमें का जो राइट आंसर की बात करते हैं, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्योंकि निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलनांक घट जाता है। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्या रीजन हो सकता है? इस क्वेश्चन को भी VVI लगा लीजिए, इसी टाइप के क्वेश्चन रेलवे ज्यादातर पूछता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन टाइप के क्वेश्चन। इसका राइट आंसर की बात करते हैं दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसलिए दलदली में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है। 96 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्या कारण हो सकता है? इस क्वेश्चन को भी VVI लगा लीजिए, बहुत बार रेलवे में रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसी कारण बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े जो है आपस में चिपक जाते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, आ जाइए 97 नंबर क्वेश्चन पे। प्रायः तेज आंधी आने पर फूस या टीन की हल्की छतें उड़ जाती है, क्या कारण हो सकता है? इसका कारण है दोस्तों ऑप्शन सी, छत के ऊपर बहने वाली उच्च वेग की वायु छत सतह पर दाब उत्पन्न कर देती है तथा छत के नीचे दाब असमान रहता है, इसी कारण जो है तेज आंधी व आने पर फूस या टीन की हल्की छतें जो है गिर जाती है, उड़ जाती है। 98 नंबर क्वेश्चन पे आ जाइए। रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है,
जिसका इसका क्या कारण है लगाने का, इस क्वेश्चन को भी वीवीआई लगा लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि रेलगाड़ी द्वारा लगाया गया दाब कम हो जाता है, इसीलिए रेल की पटरी के नीचे लकड़ी या कंक्रीट की चौड़ी पट्टियां लगाई जाती है। दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग सेशन को अच्छे से एंजॉय करते हुए पढ़ाई किए होंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर अभी लग रहा है कि इस चैनल से, इस एक वीडियो से हमें कुछ सीखने को मिला है दोस्तों, तो एक वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करने कोशिश कीजिए, ताकि हर किसी को फायदा हो सके, ठीक है दोस्तों। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जितना जल्द हो सके सब्सक्राइब करके घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें, ताकि मैं जितने महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए डेली प्रोवाइड कराऊं उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचे, ठीक है दोस्तों। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूं उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूं 2 से 3 दिन के बाद, तो आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।